देवास में सोमवार सुबह दूध लेने डेयरी पर गए एक व्यक्ति पर दो युवकों ने पुराने विवाद के चलते हवाई फायर कर दिया था, जिसमें व्यक्ति बाल बाल बचा था। घटना की जानकारी लगते ही कोतवाली थाना पुलिस व नाहर दरवाजा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां मौके पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फुटेज में बाइक पर सवार एक व्यक्ति का पीछा करते हुए एवं गोली चलाते एक्टिवा पर दो युवक नजर आए हैं। फरियादी ने इस मामले की रिपोर्ट कोतवाली थाने पर दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने दो आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया था। उक्त व्यक्ति ने बताया कि गत दिनों उसका विवाद हुआ था, जिसका समझौता भी हो गया था, लेकिन सोमवार को उसी विवाद के चलते दो युवकों ने फायर किया था। सोमवार सुबह फरियादी कैलाश पिता नारायण बोरीवाल ने कोतवाली थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह सुबह बस स्टैंड पर दूध लेने जा रहा था, तभी आरोपी गण आयुष दायमा और कुलदीप दायमा पीछे से आए व गाली गलौज कर सामाजिक विवाद के चलते देसी कट्टे से तीन हवाई फायर किए थे, जिस पर कोतवाली थाना पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर धारा 294, 323, 336, 506, 34 एवं 2527 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया था। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपियों को पकड़ने के लिए नगर पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह चौहान के निर्देशन में एक पुलिस टीम का गठन किया था। टीम ने आरोपी गण आयुष पिता विनोद दायमा, कुलदीप पिता मोहन दायमा निवासी भवानी सागर को उज्जैन रोड से गिरफ्तार करके उनके कब्जे से एक देशी पिस्तौल मय जिंदा राउंड जब्त की। पुलिस ने बताया कि आरोपी गण उज्जैन होते हुए राजस्थान भागने की फिराक में थे। वहीं आरोपी गणों के विरुद्ध पूर्व में भी नाहर दरवाजा थाने पर अवैध शराब के प्रकरण पंजीबद्ध है। वहीं समाज से अपराधियों का खौफ मिटाने के लिए पुलिस ने घटनास्थल ले जा आरोपियों का निकाला जुलूस। उक्त कार्यवाही में कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह परमार, उन्नी पवन यादव, सोनी संजय तवर, प्रार मनोज पटेल, रवि गरोड़ा, सुनील देथलिया, पवन पटेल, मनीष देथलिया का सराहनीय योगदान रहा। सुबह एक रिपोर्ट हुई थी जिसमें कैलाश बोरीवाल के द्वारा आरोपी कुलदीप और आयुष दायमा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इनके द्वारा मारपीट कर जान में मारने की धमकी देकर और गाली गलौज कर जो है फायर किए गए हैं। उपरोक्त पे अपराध पंजीकृत किया गया था और आरोपियों की घेराबंदी की गई, तो इनको जो है उज्जैन होते हुए राजस्थान भगने का प्रयास कर रहे थे, तो आरोपियों को जो है मुखबिर की सूचना साथ घेराबंदी करके पकड़ा है और दोनों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से एक देसी कट्टा और एक जिंदा राउंड भी बरामद किया है। सर, इनसे कोई पूछताछ में कोई पुराने अपराध भी ये आरोपी पहले शराब बेचने के उसमें कई प्रकरणों में हुए हैं और इनके अन्य आपराधिक रिकॉर्ड भी पाए गए हैं। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।